अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है कब्र का अपने अंदर आने वाले को पुकारना। कब्र हर रोज अपने अंदर आने वाले उस मकीन को जो उसके अंदर आके रहेगा, कयाम पजीर होगा, उसको पुकारते हुए कहती है कि ऐ आदम के बेटे, मैं तन्हाई, आजमाइश, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तुम मेरे पास तैयारी करके आना। आइए ज़मीन में चंद अहदीस मुबारका का मुतालिया करते हैं। हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फइन्नहु लम यअति अलल क़ब्र यौम इल्ला तकल्लम फीह। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, फइन्नहु लम यअति अलल क़ब्र, कब्र पर यौम कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, इल्ला तकल्लम फीह, जिसमें कब्र बात ना करती हो, कलाम ना करती हो, वो जुबान हाल से पता है क्या कहती है, फयकुलु अना बैतुल गुरबा, मैं अजनबियत का घर हूँ, मेरे अंदर आकर तू ऐसे हो जाएगा कि फिर तुझे कोई जानता ही नहीं। दुनिया में तूने बड़ा नाम कमाया होगा, बड़ा सुपर स्टार होगा, बड़ा टिकटॉक स्टार होगा, बड़ा इंस्टा स्टार होगा, बड़ा यूट्यूब का बंदा होगा जिसके 2-2 मिलियन, 50 मिलियन, 100-100 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, हैं? तू बड़ी शय होगा, तू जहाँ चलता होगा लोग तुझे जानते पहचानते होंगे, पर जब मेरी आगोश में आ जाएगा ना तो अजनबी हो जाएगा, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। मैं अजनबियत का घर हूँ, अना बैतुल गुरबा व अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, और सुन, व अना बैतुल तुराब, मैं मिट्टी का घर हूँ, व अना बैतुल दूध, और मैं कीड़ों का घर हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह महफूज रख। ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ मेरे करीम रब, हमें अजाब कब्र से बचा ले। ऐ हमारे करीम रब, ऐ हमारे रहीम रब, हमें जब तू अपने पास बुला तो तू हमसे राजी हो। ऐ हमारे रब, हमें गुनाहों से बचा ले, हमें कब्र की वहशत से बचा ले। इस रिवायत को इमाम तिर्मिजी ने सुनन में रिवायत किया है, किताब सिफ़तिल क़यामा वर्रक़ाइक वल्वरा, इसमें हदीस नंबर 2460। इसी तरह अबुल हज्जाज थमाली रदी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूलुल क़ब्रु लिल मय्यित हीना युज़ाउ फीही, मय्यत को जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र मय्यत से कहती है, ए आदम के बेटे, तेरा कुछ ना बचे, तुझे किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया, क्या तू नहीं जानता था कि मैं आजमाइश, तारीकी, तन्हाई और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे गाफिल किया हुआ था, जब तू मेरे पास से तकब्बुराने तौर पे गुजरता था, मुतकब्बिराना गुजरता था। लेकिन अगर वो शख्स नेक व साले हो ना तो फिर उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाला जवाब देगा कि क्या तू नहीं जानती थी कि ये लोगों को नेकी का हुक्म दिया करता था और बुराई से मना किया करता था। रब्बे कायनात की तरफ से देखो ना, अल्लाह अपने प्यारों की लाज रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेरावेश मेरा रब बड़ा करीम है। फयकुलु अरायतु इन काना मिम्मन यामुरु बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर, है ये तू इसको आम जैसे लोगों जैसा समझ रही है, ये तो वो था कि अल्लाह सुबहाना व ताला का नेक बंदा था कि लोगों को नेकी का हुक्म देता और बुराई से मना किया करता था। अब जब ये बात सुनेगी तो फिर कब्र उसको जवाब देगी, अच्छा अगर तू ये उन लोगों में से था तो इज़न अऊदु इलैहि खदरा व यऊदु जसदहु नूरन व यसअदु रूहुहु इला रब्बिल आलमीन। तो कब्र कहती है कि तो फिर मैं इसके लिए सरसब्ज बाग बन जाऊंगी, इसका जिस्म सरापा नूर बन जाएगा और इसकी रूह रब्बुल आलमीन के पास चली जाएगी। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने कब्र को ये अक्ल फिरासत दी है कि वो कलाम भी करती है और दानिश भी दिखाती है। ये रिवायत जो आपसे शेयर की है, इस रिवायत को इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में रिवायत किया है, हदीस 942। इमाम अबू याला ने अपनी अलमुसनद में से रिवायत किया, हदीस 6870। इसी तरह इसको इब्ने अबी आसिम ने अलहादी वल मथानी में रिवायत किया, हदीस 2412। और इमाम अबू नुआइम ने इसे हिल्यतुल औलिया की जिल्द 6 सफ़ा 90 पर बयान किया है। तो क्या पता चला कि कब्र को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से जवाब देने वाला जवाब देता है अगर आने वाला नेक होता है, और कब्र फिर उसे समझती है और फिर उसके लिए अपनी नेमतें और रहमतें अल्लाह के हुक्म से निछावर करती है।
हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक रोज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, मा यातिया अला हादल कब्र मिन यौमिन इल्ला वहुवा युनादी बिसौतिन तल्किन ज़ल्किन या इब्न आदम। यानी कब्र हर रोज़ बग़ैर किसी छुट्टी के बिला नागा बुलंद और ग़ज़बनाक आवाज़ में कहती है, ए आदम के बेटे या इब्न आदम, तूने मुझे कैसे भुला दिया, कैफ़ा नसीतनी, मुझे कैसे भुला दिया, अलम तालम अन्नी बैतुल वहदा व बैतुल गुरबा व बैतुल वहशा व बैतुल दूदी व बैतुल दीकी, तूने कैसे भुला दिया, क्या तू नहीं जानता था कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तंगी का घर हूँ, इल्ला मौन वसानी अल्लाहु अलैहि। हाँ, लेकिन इसमें वो लोग मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? इल्ला मन वसानी अल्लाहु अलैहि, इसके लिए जिसके लिए अल्लाह मुझे वसीअ कर दे। इस रिवायत को इमाम तबरानी ने अलमाजमुल औसत में रिवायत किया हदीस 8613 और इमाम मुंजरी तरगीब व तरहीब में से रिवायत करते हैं हदीस 5052 और इसी तरह इमाम हैसमी इसे मजमाउ ज़वाइद में रिवायत करते हैं। और एक रिवायत में यह है कि कब्र अपने मकीन को एक दिन में 70 बार पुकारती है, मगर इंसान है कि इसकी परवाह किए बगैर अपनी दुनिया में मगन रहता है। हजरत सुबान बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल अर्दा लतुनादी कुल यौमिन 70 मरतन या बनी आदम कुलू मा शितुम वश्तहैतुम फवल्लाहि लाकुलन लहूमकुम वजुलूदकुम। बेशक ज़मीन हर रोज़ इन्नल अर्दा लतुनादी पुकारती है, कुल यौमिन हर रोज़ 70 मरतन 70 मरतबा, और कहती है कि ऐ आदम के बेटे कुलू मा शितुम जो कुछ चाहे खा लो, हाँ फवल्लाही खुदा की कसम लाकुलन्ना लुहूमकुम वजुलूदकुम मैं तुम्हारा गोश्त और तुम्हारी खाल तक खा जाऊंगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस रिवायत को हिंदी ने कंजुल उमाल में रिवायत किया हदीस 42107 और आज का इंसान अपने जिस्म और अपने अहल आयाल को पालने में मसरूफ, जबकि इसका जिस्म कब्र की मिट्टी की खुराक है, इसका माल और औलाद इसी दुनिया में रह जाएंगे, जबकि कब्र के साथ ही इसके नेक आमाल ही होंगे। इसलिए प्यारे नबी ने अपने फरामीन में कब्र की तैयारी की तरगीब दी है। हज़रत दहाक बिन मज़ाहिम बयान करते हैं कि एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ा जाहिद कौन है? और प्यारे नबी ने उसे जवाब इरशाद फरमाया, मन लम यंसल मकाबिर वल बिला वतरक अफ़ज़ल ज़ीनतिद दुनिया وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموتى। जो कब्रों और उनमें जिस्म जो के बोसीदा हो जाने को नहीं भूलता ना, वो बड़ा जाहिद है। मल्लम यंसल मकाबिर वल्बिला, और दुनिया की जेब व जीनत को तर्क कर देता है, और जिसने फानी दुनिया पर बाकी रहने वाली आखिरत को तरजीह दी है, और जो आने वाले दिन को अपनी ज़िंदगी में शुमार ही नहीं करता और हर वक्त अपने आप को वफात पा जाने वालों में शुमार करता। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर तो करो, क्या खूबसूरत बात है। वो जो अपने आप को वफात पा जाने वालों में शुमार करता है सारा वक्त, क्या ख्याल है, वो गुनाह करता होगा? जो आने वाले दिन को अपनी ज़िंदगी में शुमार ही नहीं करता, वो कल की हवस करता होगा? जो दुनिया पर आखिरत को तरजीह दे, जो आखिरत को दुनिया पर तरजीह देता हो कि दुनिया तो फ़ानी है, और आखिरत को तरजीह देता हो जो बाकी रहने वाली है, तो वो फिर दुनिया में दिल लगाता होगा? क्या वो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को तर्क नहीं करने वाला होगा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जो रिवायत अभी आपसे शेयर किए, इसे इबन अबी शैबा ने रिवायत किया अल-मुसन्नफ़ में हदीस नंबर 34318 और इमाम बहकी इसे शुअबुल ईमान में रिवायत करते हदीस नंबर 10565। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये फरमान फिक्र आखिरत और मौत को कसरत से याद करने का शानदार वजीफा है कि जो शख्स इस हाल में रहे तो वो कभी कब्र के इम्तिहान में नाकाम ना हो। तो देखे मेरे भाइयों और मेरी बहन, ये कब्र तो पुकारती है, लेकिन याद रखो इन रिवायात में ये हमारे लिए रहमत का पैगाम भी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक पुकारने वाला कब्र को जवाब देता है,
कि इसे आम लोगों की तरह ट्रीट ना करो, ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, तो फिर कब्र भी उसके लिए बाग बन जाती है, नूर बन जाती है और उसकी रूह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ आला मुकाम पाती है। और कब्र कहती है कि अल्लाह जिसके लिए मुझे चाहे वसअत देता है और जिसके लिए वो मुझे वसी होने का हुक्म नहीं देता, तो उसके लिए मैं तन्हाई का घर, अजनबियत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर और तंगी का घर। हे अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हे अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।